पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से आकर अभिजीत, सुरजीत बर्मन और अभिजीत के साथ नवीन के जैसे कुछ बच्चे आईटीआई कंप्लीट करने के बाद पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रहा है उसी काम का कुछ एक्सपीरियंस इस वीडियो में सभी व्यूअर्स के लिए शेयर किए हैं। उन लोगों का सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किस हिसाब से एक आईटीआई के स्टूडेंट को काम करना पड़ता है वो लोग अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एक आईटीआई स्टूडेंट को क्या क्या काम करना पड़ सकता है आईटीआई कंप्लीट करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा। सर আমরা যে কাজ করি না এই যে আমরা এই প্লেটিং ডিপার্টমেন্টে কাজ করি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ক্রোম সেরামিক আছে যেগুলোকে বলে হ্যাঁ এই ক্রোম ঠিকের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয় আমাদের এবং নিচে যাচ্ছি আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। अभिजीत और अभिजीत के साथ नवीन और उसके सभी दोस्त को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो भी काम अभी कंपनी में कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ अभिजीत ने जो शेयर किया खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से कि कोई भी कंपनी में जब आप काम के लिए जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ आप लोग को पर्सनल सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हेलमेट, ग्लव्स, शूज़, ये सभी चीज़ों को सही से पढ़ना, सभी जगह में ध्यान से काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो कभी भी एक मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो प्रैक्टिकल फील्ड में कॉलेज में तो कभी भी आप लोगों को कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, मगर प्रैक्टिकल जगह में जाने के बाद सेफ्टी के बारे में और भी ज़्यादा मशीन्स के बारे में, उसका ऑपरेटिंग, वर्किंग कंडीशन, मैकेनिकल एफिशिएंसी, सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभिजीत ने भी ये चीज़ बताया कि उन लोगों को भी ये जो कंपनी में काम करने के दौरान बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस उन लोगों का हुआ। तो फिलहाल इन लोगों का अभी जो फ्यूचर प्लान बता सकते हैं कि कुछ दिन और काम करने के बाद ये लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद ये लोग जो चीज़ बता रहा है कि कंपनी में उन लोगों को एक पोजीशन जो है इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा। तो फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। फ्यूचर में भी आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रिलेटेड, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, एडुकेशन रिलेटेड हर एक वीडियो आप लोग को इस चैनल से मिलेगा। और इस वीडियो के बारे में या फिर आप लोग कौन सा फील्ड से है, आप कौन सा चीज़ों को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पॉलिटेक्निक चल रहा है या आईटीआई, या कौन सा डिपार्टमेंट से आप है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर और आप लोग इंडस्ट्रियल के बारे में क्या क्या चीज़ जानना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा कोशिश रहेगा अभिजीत के साथ साथ पश्चिम बंगाल से या फिर अदर स्टेट से जो भी स्टूडेंट बाहर काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों का प्रैक्टिकल फील्ड में क्या काम करना पड़ता है उनका एकदम से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसी तरह के वीडियो के साथ आप लोगों के सामने शेयर करने का। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू। Thank you.